आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतिहास में अमर है, क्योंकि वहाँ जो घटना घटी थी वो न तो दुनिया में कहीं और घटी और ना ही कभी घटेगी। इस घटना की वजह से किले का नाम विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इसे चूरू जिले के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। इसके पीछे का मकसद आत्मरक्षा के साथ साथ राज्य के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना भी था। यह किला दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जहाँ युद्ध के समय गोला बारूद खत्म हो जाने पर तोप से दुश्मनों पर चांदी के गोले फेंके गए थे। यह इतिहास की बेहद ही हैरान कर देने वाली घटना थी जो 1814 में घटी थी। उस समय इस किले पर ठाकुर कुशल सिंह के वंशज ठाकुर शिवजी सिंह का राज था। साल 1814 अगस्त का महीना था। बीकानेर रियासत के राजा सूरज सिंह ने अपनी सेना के साथ चूरू किले पर हमला बोल दिया। इधर ठाकुर शिवजी सिंह ने भी अपनी सेना के साथ उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके गोला बारूद खत्म हो गए। अब राजा चिंतित हो गए, लेकिन उनकी प्रजा ने उनका भरपूर साथ दिया और राज्य की रक्षा के लिए अपने सोने चांदी सब राजा पर न्योछावर कर दिए। जिसके बाद ठाकुर शिवजी सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दुश्मनों पर चांदी के गोले फेंके जाए। ठाकुर शिवजी सिंह वो जंग हार गए, लेकिन यह घटना इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है।